हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का ब्लॉग है मेरा, मैं इस टाइम मुंबई में हूँ और आज का मेरा ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग। मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, मैं विरार में हूँ और विरार से मैं जाऊँगा अंधेरी, वहाँ से दोस्त से मिलूँगा और मिलने के बाद से मैं आपको कुछ वहाँ का दिखाऊँगा लोकेशन। और गाइज, ये फर्स्ट ब्लॉग मुंबई सिटी। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, एक्चुअली मुंबई में मेरा पहला ब्लॉग है और मैं अभी विरार से लोकल पकड़ के मैं जाऊंगा अंधेरी से जाके फिर दोस्त से मिलूंगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ। ओके गाइस, तो हम लोग निकलते हैं। हाय छोटी, तो मैं हूँ अभी यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैं निकलता हूँ अभी, प्रॉपर रेडी हो गया हूँ। और अभी एक्चुअली ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है तो ट्रेन में दिक्कत तो बहुत होता है। तुम्हें टाइम देख के अभी 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा क्राउड कम हो जाएगा तब अच्छा लगेगा जाने, क्योंकि यार मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करने में मेरा पता नहीं क्यों मेरा हमें अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो गाइस, आप वीडियो बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। चले भाभी चल रहा हूँ। ओके गाइज, तो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्टेशन पे। तो गाइज, एक्चुअली मैं निकल गया हूँ और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूँगा और विरार स्टेशन के लिए। तो अभी ऑटो कहाँ से मिलेगा ये भी नहीं पता है। ऑटो मिलेगा हमें इधर से। तो अभी चलते हैं मुंबई अंधेरी। तो एक्चुअली मैं पहले इधर ही रहता था, मुंबई में ही। तो यहाँ पे मेरे भैया रहते हैं विरार में, इनका फ्लैट है। तो मैंने आके पहले स्टे यहीं पे किया। अभी मैं घर से आया हूँ और आने के बाद से मैं यहीं पे स्टे किया हूँ। तो गाइस, फाइनली हम लोग मैं रिक्शे पे बैठ गया हूँ और विरार के लिए, और यहाँ पे विरार स्टेशन जाऊँगा। गाइस, फाइनली मैं अभी विरार में आ गया हूँ और यहाँ पे मास्क तो पब्लिक लगा नहीं रही है, तो बट मास्क लगा के चलना अपनी सेफ्टी है, जो पोल्यूशन से बचाता है। और जैसे पोल्यूशन यहाँ पे बहुत है, पोल्यूशन से बचना है तो भाई अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग मास्क भी लगा के क्राउड एरिया पर जाओ, अच्छा रहेगा। तो मैं अभी स्टेशन पर जा रहा हूँ, आपको मैं स्टेशन का कुछ लुक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ विरार स्टेशन का। तो गाइस, विरार लोकल ट्रेन का यात्रा करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और देख रहे हो आप लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। और मैं आगे जाकर मैं वहाँ से टिकट लूँगा और टिकट लेने के बाद फिर मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करेंगे, नहीं तो भाई पकड़े जाने पर तो काफ़ी बहुत ज़्यादा जुर्माना है। तो अगर आप भी मुंबई आओ तो लोकल ट्रेन में यात्रा करो तो टिकट ले लेना, ज़्यादा महंगा तो नहीं है टिकट, बट
आराम से चले जाओगे। टिकट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम गैर कानूनी करो तो उसका दंडनीय अपराध होता ही है काफ़ी ज़्यादा। गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है और इसमें अब बैठ के निकलना है हमें। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से 11:42 पर बोरीवली जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल आज प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर जाएगी। आपकी का रास्ता है अंधेरी, यहाँ पे अभी क्राउड कम है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, क्राउड कम है और अभी थोड़ी देर बाद लगभग 5 बजे के बाद से क्राउड इसमें इतना हो जाता है कि इसमें बैठना मुश्किल रहता है 5 बजे के बाद। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और 45 मिनट बाद हम अंधेरी स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा। भाई ये फास्ट थी ट्रेन, फाइनली गाइस हम जोगेश्वरी स्टेशन पे रिक्शा किए। अभी दोस्त ने कॉल किया था कि भाई जोगेश्वरी उतर जा और फिर वहाँ से रिक्शा कर ले, फिर आ जाए हम गिरा दे। तो अभी मैं उसी के पास जा रहा हूँ, तो जोगेश्वरी स्टेशन से उतर के वेस्ट में जाना है बीरा देसाई। और फाइनली आप देख रहे हो ऊपर का लोकेशन, तो फाइनली मैं यहाँ से रिक्शा पकड़ूँगा और देन उसके बाद से बीरा देसाई की तरफ मैं जाऊँगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर। गाइस उसे धूप बहुत है और काफ़ी ज़्यादा धूप है। एक्चुअली मैं बीरा देसाई रोड से आ गया हूँ, तो मैंने थोड़ा सोचा आप पेड़ के छाव में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और बहुत धूप है गाइस। मुंबई में भी बारिश स्टार्ट हुई है, कल जैसे मैं आया वैसे बारिश स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और अब देखते हैं, अभी तो बारिश शुरू हो जाएगी यहाँ पे, कुछ टाइम बाद मानसून आ जाएगा, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे मैं पहले में यहीं रहता था, मुंबई में ही रहता था, लेकिन कोरोना के टाइम से मैं चला गया था। लगभग पूरे 1.5 साल बाद मैं मुंबई में दोबारा आया हूँ, और मेरा अपना काम फिल्म इंडस्ट्री में था। मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। तो कोरोना के टाइम में शूटिंग वगैरह सब बंद हो गया था, तो मेरा भी काम ठप हो गया।
और उस काम को ऐसे मैंने फिर घर चला गया था, फिर वहाँ पे दिल्ली वाले घर पे मैं रुका था 1.5 साल, और उसके बाद से फिर दिल नहीं लगा था, फिर मैंने मुंबई दोबारा आया, और फिर अब मुंबई में फाइनली अब यहाँ पे रहना है, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, अब इधर ही रहना है, क्योंकि मुंबई इज़ माई फेवरेट सिटी। तो यही है गाइस, अपनी कहानी तो बहुत है बट क्या करें कहानी बताना अच्छा भी होता है, और थोड़ा सा कुछ बन जाने के बाद अगर कहानी बताओ तो थोड़ा अच्छा फील होता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा मैं यहाँ इसे करता हूँ और आपको एक फ्लावर दिखा देता हूँ। बिल्डिंग ये मैं इस टाइम बीरा देसाई पे हूँ, बीरा देसाई, और मेरा दोस्त का शॉप भी इधर ही है, तो पहले तो मैं उससे मिलूँगा और उसके बाद से फिर देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उससे मिल रहा हूँ। तो इसी बिल्डिंग के आसपास उसका भी है शॉप, गाइस धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा, और मैं आ गया हूँ इधर, अभी यहीं पे है, और एक दोस्त का कॉल अभी आ रहा है तो मैं करता हूँ बात उसके। फाइनली हम आ गए हैं अपने दोस्त के शॉप पे, और मैं उसका शॉप आपको दिखाता हूँ। ये आगे की बिल्डिंग है और उसका शॉप देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब मैं उसके पास जाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ बैठा है बिल्कुल कंफर्टेबल एंड माइंड कूल जगह है बिल्कुल, आप यहाँ पे आओ, और कभी भी अगर इधर रह रहे हो आप तो एक राउंड यहाँ पे जरूर आओ। और फाजिल भाई तो अपने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है, इनका क्या बात है, एक बार काम इनके हाथ का करा के देखो आप, इतना अच्छा लगेगा। अभी इन्होंने सैलून का जो सेटअप किया है, सेकेंड ब्रांच है यहाँ पे, तो देख रहे हो तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच आया हूँ अपने दोस्त के शॉप पे, आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये अपना दोस्त यहाँ पे देखो, ये अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और इसकी वजह से मैं दिल्ली से फिर मैं दोबारा मुंबई आ गया, और मैं बोला वहीं पर रहेंगे साथ में, और ये अपने जीवन भाई, ये मेरे दोस्त, हम तीनों लोग एक साथ ही जॉब करते, एक साथ रहते थे, और बहुत अच्छा लगता था। तो कैसा लगा फाजिल भाई? बहुत बढ़िया लगा दिग्विजय भाई से मिलने, बहुत टाइम लॉन्ग टाइम में मिले हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके ऐसे, थैंक यू सो मच। 1.5 साल मिलने के लिए, 1.5 साल पूरे 1.5 साल बाद हम लोग यहाँ पे मिले थे, 2020 लास्ट थे, उसके बाद तो आज ही मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा, काफी हेल्दी भी हो गया, मोटा हो गया भाई, थोड़ा पेट निकल गया भाई, अब घर का खाना खा के पेट तो निकलेगा ना भाई, ये अपना बाहर है, अब मुंबई, कोई बात नहीं, मुंबई में आ गया पतला हुआ है, मैंने मुंबई में आके डाइट मेंटेन कर लेंगे प्रॉपरली, ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सैलून का इंटीरियर, और सैलून का लोकेशन मैं इसमें दे दूंगा, और आप देख लेना यहाँ बीरा देसाई में, एक बार फाजिल भैया बताओ कहाँ पे आपका शॉप? बीरा देसाई कंट्री क्लब के पास है सर, सब तो बीरा देसाई है, कंट्री क्लब के पास है बिल्कुल, आप देखो एफटी सैलून के नाम से है, या इंटीरियर देख लो आप। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने दोस्त से मिल गया हूँ, अब मैं कोई टेंशन है नहीं, मैं आया था मुंबई तो हमें बहुत वक्त पहले में बहुत जरूरी था मिलना, तो बहुत दिन बाद में मिला अपने भाई से, और मिलते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।